नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रक ने दंपति को मारी टक्कर। करवा चौथ की खरीदारी के लिए जा रहे दंपति पत्नी के दोनों पैर गंभीर रूप से घायल। उन्नाव के बांगरमऊ बाजार में करवा चौथ की खरीदारी करने जा रहे एक दंपति को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे पत्नी मिथिलेश उम्र 30 वर्ष के दोनों पैर गंभीर रूप से घायल हो गए। पति इंद्रपाल उम्र 35 वर्ष भी इस हादसे में जख्मी हो गए हैं। घटना के बाद दोनों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC ले जाया गया, जहां मिथिलेश की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के मुन्नीपुरवा गांव के निवासी इंद्रपाल और उनकी पत्नी मिथिलेश के साथ हुई। दोनों अपनी बाइक पर सवार होकर बांगरमऊ बाजार में करवा चौथ की खरीदारी करने जा रहे थे। इंद्रपाल ने बताया कि वे बांगरमऊ बेलहौर मार्ग पर सूरज कुंड के पास पहुंचे ही थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मिथिलेश सड़क पर गिर गई और ट्रक के पहियों की चपेट में आकर उनके दोनों पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अस्पताल में इलाज। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को सूचित किया और दोनों घायलों को बांगरमऊ CHC ले जाया गया। डॉक्टरों ने मिथिलेश की हालत गंभीर देखकर उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। इंद्रपाल की स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उन्हें भी कई चोटें आई हैं। चश्मदीदों की प्रतिक्रिया। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रक की गति बेहद तेज थी और घटना इतनी अचानक हुई कि कोई कुछ समझ नहीं सका। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय निवासियों ने ट्रक चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा कि प्रशासन को ट्रैफिक नियमों की सख्ती से पालन करनी चाहिए, ताकि इस तरह के हादसों को रोका जा सके। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।